वेलकम। हम कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन टॉपिक पर रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं। आज हम टेट्रापोडा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि एक सुपर क्लास है। तो टेट्रापोड का मतलब होता है चार टांगों वाले, जो कि सुपर क्लास टेट्रापोडा में आते हैं। इसके अंतर्गत एक्सटेंट और एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, जिसके अंदर डायनासोर शामिल हैं, इसके अलावा बर्ड्स और सिनेप्सिड्स, जिसमें मेमल्स भी शामिल हैं, ये आते हैं। ये माना जाता है कि टेट्रापोड का जो उद्भव है वो एक ग्रुप ऑफ एनिमल जिसका नाम था टेट्रापोडोमोर्फा, उनसे हुआ है, जो कि स्वयं एंशिएंट सार्कोप्टेरिजियन फिशेस से करीब 390 मिलियन ईयर पहले मिडिल डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे। अगर हम इन टेट्रापोडोमोर्फा में देखें तो ये लॉब्ड फिन फिशेस से फोर लिम्ब्ड टेट्रापोड के बीच में एक ट्रांजिशन का स्तर है। तो पहला जो टेट्रापोड माने जाते हैं वो 367.5 मिलियन ईयर पहले प्रकट हुए माने जाते हैं। इन्होंने लेटर ऑन अपने बॉडी प्लान को कुछ हद तक चेंज किया। इनका जो ब्रीदिंग की प्रेफरेंस है, वो ब्रीदिंग की प्रेफरेंस रही रेस्पिरेशन वाटर के अलावा बाहर से, यानी कि एयर से होने लगा। साथ ही साथ एक और बड़ा जो इवोल्यूशनरी चेंज आया वो ये आया कि ये एनिमल वाटर को छोड़ करके लैंड की तरफ भी मूव करने लगे। हालांकि ये अभी भी प्राइमरीली एक्वेटिक थे, बाद में इनसे सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस का, जो कि अर्ली ग्रुप्स थे, फिश लाइक टेट्रापोड्स थे, फिश लाइक टैडपोल से जिनका उद्भव हुआ था, सेमी एक्वेटिक थे, वो प्रकट हुए। इसके बाद पार्शियली टेरेस्ट्रियल। एक बड़ा जो चेंज आया वो था एमनियोट्स का बनना। इनके अंदर बहुत सारी हम विशेषताएं आगे देखेंगे क्या रही। इनसे टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड का उद्भव करीब 340 मिलियन ईयर पहले माना जाता है। इनके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत रही एमनियोट्स में वो ये थी कि अब इनको अपने अंडे देने के लिए वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। एन एमनियोट्स को अगर हम बात करें तो उन्हें एक लेइंग के लिए वाटर पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था, लेकिन एमनियोट्स को वाटर की डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो गई। इस प्रकार के एग्स को हम क्लेडोइक एग कहते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर एक और प्रकार का जो इवोल्यूशन देखने को मिला वो था कि फर्टिलाइज्ड जो एग है उसको मदर के अंदर ही रखा जाए। तो अगर हम इसको देखें कि नियरेस्ट कंप्लीट
फॉसिल हमें कब मिला, तो वो एकेंथोस्टेगा का और इक्थियोस्टेगा, तो ये जीव हैं जिनका स्केलेटन हमें प्राप्त हुआ था। ये एनिमल लेट डिवोनियन एक्सटेंशन के दौरान, जो एकेंथोस्टेगा जिस हमने एनिमल की बात की, इसके अंदर लेग्स हैं, लंग्स के साथ साथ गिल्स भी मौजूद हैं। ये प्राइमरीली एक्वेटिक है, लेकिन इसके अंदर लंग्स की मौजूदगी ये बता रही है कि ये बाहर भी आ सकता था। सॉल्ट वाटर के अंदर ये इनहेबिट करते थे, ब्रैकिश वाटर के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर भी इस तरह के ग्रुप्स के एनिमल देखने को मिले हैं। इन एनिमल के जो फॉसिल्स हैं वो यू अमेरिका, गोंडवाना, नॉर्दर्न चाइना सभी जगह प्राप्त हुए हैं। जब हम इसको आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम देखते हैं कि इस ग्रुप को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है बैट्रेकोमोर्फा, यानी कि मेंढक जैसे, और दूसरे रेप्टाइलोमोर्फा, यानी कि रेप्टाइल जैसे। ये जो ग्रुप है इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं है, इनके अंदर क्लास आती है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हम एम्फीबियंस को शामिल करते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं वो इक्टोथर्मिक टेट्रापोड्स होते हैं। अभी के जितने भी लिविंग एम्फीबियंस हैं उनको हम लिस एम्फीबिया में ग्रुप में भी शामिल कर सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल, फोसोरियल, अर्बोरियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं। बाकी जो एम्फीबियंस के ग्रुप हैं वो एक्सटिंक्ट सुपर सब क्लासेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। केवल अभी जो एक्सटेंट हैं वो एक तो है लिस एम्फीबिया का मतलब होता है मॉडर्न एम्फीबिया, ठीक है। तो जो एक्सटेंट है वो है अन्यूरा या साइलेंशिया, जिसके अंदर मॉडर्न फ्रॉग्स आते हैं सारे के सारे, कोडेटा या यूरोडेला, इसके अंदर सभी सेलामेंडर्स आते हैं, और अपोडा या जिम्नोफियोना, इसके अंदर सिसिलियंस आते हैं। तो ये तीन प्रकार के अभी जो ग्रुप्स हैं एनिमल के वो अभी एक्सटेंट हैं, सब क्लास सेलेंसिया, कोडेटा और जिम्नोफियोना। सेलेंशिया में हम देखें तो फ्रॉग्स के अलावा टोड्स भी इसके अंदर शामिल हैं। आपको दोनों के अंदर अंतर मालूम होना चाहिए। साइलेंशिया का दूसरा नाम अन्यूरा है। सबसे पहले इसके जो ओल्डेस्ट फॉसिल है, जिसको हम प्रोटो फ्रॉग भी कह सकते हैं, वो अर्ली ट्रायसिक काल में मेडागास्कर से प्राप्त हुआ था। कई मॉलिक्यूलर डेटा के हिसाब से इनका उद्भव परमियन काल तक भी हुआ माना जा सकता है। इसके अंदर तीन सब ऑर्डर्स हैं ऑर्डर एन्यूरा में, आर्कियो बैट्रेशिया, मीजो बैट्रेशिया और नियो बैट्रेशिया। इसके अलावा हाँ, इसमें आप ये याद रखिए कि फ्रॉग की स्किन के ऊपर आपको मॉइस्चर मिलेगा, जबकि जनरली जो टॉड्स हैं उनकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर नहीं मिलता। दूसरा जो ऑर्डर है दैट इज कोडेटा, जिसके अंदर सेलामेंडर्स आते हैं। इनके अंदर लिजार्ड लाइक इनका अपीयरेंस होता है, स्लेंडर बॉडी होती है, ब्लंट स्नाउट होता है, शॉर्ट लिम्स होती हैं जो कि राइट एंगल पे प्रोजेक्ट रहती हैं बॉडी से।
और इनके अंदर एडल्ट में और एज वेल एज लार्वा में टेल की मौजूदगी होती है। तो ये कॉडेटा, कॉडा मीन्स टेल, इसी कारण इसका नाम पड़ा है। तीसरा जो ग्रुप है वो है एपोडा। सेशिलियंस आते हैं, लेगलेस होते हैं। ये जो एम्फीबियंस हैं जनरली आप देखेंगे कि सिलेंड्रिकल डार्क ब्राउन या ब्लूइश कलर इनकी स्किन का होगा। स्किन जनरली स्लाइमी होती है, उसके ऊपर रिंग लाइक मार्किंग होती है, माइन्यूट डर्मल स्केल्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं रेप्टाइलोमोर्फा, इसके अंदर वो सारे एनिमल हैं जो रेप्टाइल जैसे हैं या उससे उद्भव हुए हैं। ये एक क्लैड है। इस क्लैड के अंदर सभी एमनियोट्स शामिल हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो क्राउन ग्रुप एमनियोटा है, उस क्राउन ग्रुप एमनियोटा के अंदर अगेन आप रेप्टाइल्स को पाएंगे जो कि क्लास रेप्टाइलिया है। इसके अलावा क्लास मेमेलिया और क्लास एविस, ये भी इसके अंदर आएंगे। तो क्राउन ग्रुप एमनियोटा के अंतर्गत हम उन एनिमल को शामिल करते हैं जिनके अंदर लैंड पे एग देने की क्षमता हो, या जिनमें हम ये कह सकते हैं कि क्लेटोइक एग पाए जाते हो। ये एक बहुत ही बड़ा एक इवोल्यूशन था। इनके एग में एमनियोन मौजूद है, इसलिए इनका नाम एमनियोट पड़ा। इसके अंदर ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो प्रकार के इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एनिमल, साइनेप्सिड्स में मैमल्स और उनके कुछ अदर रिलेटिव्स मिलेंगे, एनेप्सिड मिलेंगे। इसके अलावा सोरोपोड्स जिसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड आएंगे, बेसिकली डायप्सिड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्टाइल की, रेप्टाइल क्लास। इसके अंदर आप इस क्लास को एनेप्सिडा, सेनेप्सिडा और डायप्सिडा, इन तीन के अंदर इनको आप बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनेप्सिडा की। एन एप्सिडा मीन्स स्कल में जो ओपनिंग है, एक या अधिक जो स्कल की ओपनिंग होती है, जो या फेनेस्ट्रिया होते हैं टेम्पल के पास में, वो अनुपस्थित रहे। तो इस तरह का जो ग्रुप है ये एनेप्सिडा कहलाता है। ज्यादातर अब इसके अंतर्गत आपको एनिमल देखने को नहीं मिलेंगे, जो केवल ऑर्डर जो इसके अंदर अभी एक्सटेंट है वो है टर्टल, टॉर्टोइज, टेरापिन आदि से लेकर के। सेकंड जो इसका बड़ा ग्रुप है वो है सेनेप्सिडा, अगेन रेप्टाइलोमॉर्फन्स के अंदर, एमनियोटा में ये ग्रुप है सेनेप्सिडा रेप्टाइल्स के अंदर। इस ग्रुप में आप देखेंगे तो जो सब ग्रुप्स आप देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण सब ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सब ग्रुप आता है क्लास मैमल के रूप में। यहां पर आप याद रखिए कि सेनेप्सिडा का मतलब क्या है। यहां आप जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो यहां पर आपको एक टेम्पोरल फेनिस्ट्रा देखने को मिलेगा बिहाइंड ईच आई ऑर्बिट, जो कि
स्कल की लेटरल सरफेस पर होगा। तो इसके कारण जॉ मसल्स को अटैच होने के लिए एक और नया प्लेस मिल गया। साइनेप्सिट्स के अंदर जो टीथ है वो भी डिफ्रेंशिएटेड टीथ होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के टीथ लाइक कैनाइन, मोलर्स, इंसाइजर्स। तो यहां पर आपको दांतों का क्लासिफिकेशन अच्छा देखने को मिलेगा। जॉ का आपको यहां पर अच्छा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा फ्रॉम रेप्टाइल लाइक टू मैमल लाइक। इस ग्रुप के अंतर्गत जो सबसे, हाँ एक और चीज आप याद रखिए, इनके अंदर इंडोथर्मी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो लास्ट ग्रुप है वो है डायप्सिडा। डाई मीन्स दो, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आई के पीछे की तरफ दो ओपनिंग देखने को मिलती हो, टेम्पोरल फोरेस्ट्रा। 300 मिलियन ईयर अगो ये डाइवर्स हुए थे। काफी बड़ा ये ग्रुप है, इसमें क्रोकोडाइल शामिल है, लिजार्ड शामिल है, स्नेक शामिल है, बर्ड्स भी इसके अंदर शामिल है और कुछ टॉर्टोइस जैसे एनिमल भी इसके अंदर शामिल है। तो यहां पर दो ओपनिंग होने के कारण दो आर्चेज बने, इसलिए इसको हम डायप्सिडा कहते हैं। तो यहां तीन तक स्कल के आधार पर क्लासिफिकेशन है रेप्टाइल का, नो ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, टू ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। धन्यवाद।